दोस्तों, क्या आप अपने ई टिकट के कैंसिल करना चाहते हैं, वो भी अपने फ़ोन से? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप ई टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसमें सारे चीज़ मैंने बताया है कि कौन से टिकट कैंसिल करेंगे तो आपका चार्ज कितना कटेगा, वेटिंग टिकट कैंसिल करेंगे तो आपका चार्ज कितना कटेगा, कन्फर्म टिकट कैंसिल करेंगे तो आपका चार्ज कितना कटेगा, एसी का टिकट फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो उसका कैंसिल करेंगे तो उसका चार्ज कितना कटेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको टिकट कैंसिल करने में आसानी होगी और उसमें आपको पता लग जाएगा कि जब मैं अपनी टिकट कैंसिल करता हूं तो मेरा चार्ज कितना कटेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं कि अपने फ़ोन से ई टिकट को कैंसिल कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, IRCTC रेलवे के नेट में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन है तो इस पर ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर देखेंगे ये लॉगिन के बटन है, इस पर ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद दोस्तों ऐसा आएगा, यहाँ पर अपने क्या करना है, लॉगिन पिन जो आपने लॉग करते समय डाला हुआ उसको डालकर ओके कर देना है। यहाँ पर कैप्चर फिल करना है तो यहाँ पर कैप्चर फिल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग लॉगिन हो गए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर माय बुकिंग दिखाई दिया होगा, इस पर ओके करना है। उसके बाद आपने मोबाइल से जितना ट्रेन का टिकट बुक किया है वो सब यहाँ पर आ गया है। जौन से टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं उस कैंसिल को क्या करें, चॉइस करें, तो हम यहाँ पर टिकट अपनी चॉइस कर देते हैं। हमारी 10 तारीख का टिकट था उसको हम कैंसिल करेंगे, हमारी ब्रह्मपुत्रा के कैंसिल करना है तो इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 2 लोगों को टिकट किया था तो यहाँ पर ये कन्फर्म टिकट है, तो हमने जब बुक किया था दोस्तों तो इसमें 598 रुपया और 68 पैसे कटा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस पर ओके करना है। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे कैंसिल टिकट के बारे में लिखा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बोल रहा है, क्या आप एक को करना चाहते हैं, अगर एक को करना चाहते तो एक पे ओके करेंगे और उसके बाद ये जो कैंसिल लिखा है इस पर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे आपका टिकट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सारे लोगों का कैंसिल करना चाहते हैं तो ऑल पे ये जो सिलेक्ट ऑल है इस पर क्या करेंगे, ओके करेंगे हम। ये सारे टिकट हो गया सिलेक्ट, उसके बाद कैंसिल पे हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म लिख रहा है, अगर यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। हम ओके कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों हमारी टिकट क्या है, कैंसिल हो गया है। देखिए ये जो लिख रहा है कन्फर्म था और ये कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल लिख रहा है। और यहाँ पर लिख रहा है 460 रुपया हमारा क्या होगा, पैसे वापस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जितना रेलवे का चार्ज था उसने वो काट लिया और बाकी जो पैसे हमें मिलेगा। दोस्तों हमारा टिकट कैंसिल हो गया है, हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद देखिए ये सारे लिख रहा है, हमारी 598 रुपये लगा था पर इसमें से हमारी 460 रुपया हमें वापस मिलेगा, 17 रुपया यानी एक टिकट पर रेलवे ने 60 रुपया हमसे काटा है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपका चार्ज लगता है जिसे आप पेटीएम करते हैं, फ़ोनपे करते हैं, UPI करते हैं, तो ये क्या करेगा, उसी में आपका पैसे वापस आ जाएगा। और ये क्या है, जो आपका चार्ज लगा था एक्स्ट्रा वो आपका वापस पैसे नहीं देगा, बस उसी को देगा जो जितना यहाँ पर आपकी वापस कैंसिल करते समय लिखा था। तो हमारे 460 रुपये लिखा था तो हमारे 460 2-3 दिन में आ जाएगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।